उम्मीद है कि आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठे होंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना जो लोग आईफोन 14 लाइनअप की वेट कर रहे हैं उनके लिए ना काफी कुछ है। जी हाँ दोस्तों, जो आईफोन 14 है वो सितंबर में लॉन्च होगा, तो अभी से 7-8 महीने दूर है अभी उसका लॉन्च, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है ना वो हमारे पास में काफी क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ से निकल कर आई है। तो आज की जो वीडियो है ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग आईफोन 14 लाइनअप के डिजाइन से। बेसिकली देखा जाए डिजाइन ही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आजकल जो है काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पोस्ट पर देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, यूट्यूब वीडियोस चेक कर लीजिए, सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है कि इसमें हमें नॉच देखने को मिलेगी या फिर होल पंच कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर पिल शेप्ड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर मैं बात को ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं कि जो प्रो मॉडल्स रहने वाले हैं आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, इनमें जो है हमें पिल शेप्ड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद होल पंच कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीजें देखने को मिलेगी। एक्चुअल में क्या है कि एप्पल यहाँ पर ना फेस आईडी जो सेंसर्स हैं उनको यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेंसर जो रहेंगे वो पिल शेप में रहेंगे, और जो होल पंच कैमरा सेटअप रहेगा वो ज्यादा विजिबल नहीं रहेगा स्क्रीन पर, लेकिन वहां पर एक होल पंच कैमरा सेटअप जरूर रहेगा। जैसे नोच में होता है ना, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे देन आपको सेंसर्स वहां पर दिखेंगे, लेकिन आप दूर से देखेंगे या फिर गौर नहीं करेंगे देन आपको लगेगा कि नोच जो है बिल्कुल क्लीन है। तो यही चीज जो है यहाँ पर आईफोन 14 लाइनअप में होने वाली है प्रो और प्रो मॉडल में। इसमें क्या होगा, पिल शेप में यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द आईडी सेंसर रहेंगे, लेकिन जो बाकी के सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले चले जाएंगे, और जो होल पंच कैमरा सेटअप है वो नॉर्मली विजिबल नहीं रहेगा बाकी सेंसर्स की तरह। तो ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्पल जो है अडॉप्ट करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो है टच आईडी सेंसर वापस नहीं आने वाला है, जैसे काफी र्यूमर्स आ रहे थे कि हमें टच आईडी सेंसर देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो चीज है अगले साल के लिए पुश कर दी गई है, और हमें शायद 2023 या फिर 2024 में टच आईडी सेंसर की यहाँ पर वापसी होती दिखे। खैर इसके अलावा यहाँ पर फेस आईडी सेंसर ही रहने वाले हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती है एप्पल के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, और आप उनके रिव्यूज वगैरह देखना चाहते हैं, उनके लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार इन टॉपिक्स पर वीडियो जो है वो लेकर आता रहता हूँ। डिजाइन के बाद अगर हम लोग बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, देन र्यूमर्स आ रहे थे कि हमें यहाँ पर चारों आईफोन्स में यहाँ पर इस बार 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन अभी क्रेडिबल सोर्सेज की माने ना देन हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको चारों आईफोन्स में जो है 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिलेगा नॉन प्रो मॉडल्स में भी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, आपके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि एप्पल जो है ना यहाँ पर प्रो मॉडल्स में ही यहाँ पर प्रोमोशन डिस्प्ले को एक्सक्लूसिव रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो एक्सक्लूसिव रहेगा प्रो मॉडल्स में। खैर ये जो चीज है ना, ये चीज मुझे भी बुरी लगी। जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट अगर आप लोग प्रो मॉडल्स में 120 हर्ट्ज देना चाहते हैं देन दीजिए, लेकिन जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनमें एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का तो पैनल ये दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी अगर कॉस्ट देखी जाए वो 70,000 से तो अबव रहने वाली है, तो अगर 70,000 से अबव आप स्पेंड कर रहे हैं देन जो लेटेस्ट डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी है वो तो आप लोगों को एटलीस्ट देखने को मिलनी चाहिए। खैर ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी बुरी लगी। इसके अलावा ना यहाँ पर बात करी जाए सबसे बड़ी अपग्रेड, अगर डिज़ाइन के बाद सबसे बड़ी अपग्रेड देखने को मिलने वाली है ना, वो हमें देखने को मिलेगी इनकी कैमरा सेटअप में। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है आईफोन में हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं बल्कि इस बार 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिलने वाला है। अभी इस चीज़ की डिटेल्स नहीं आई है कि जो प्रो मॉडल्स के जो तीनों कैमराज रहेंगे उन तीनों में ही हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ एक ही कैमरा जो रहेगा वो 48 मेगापिक्सल का रहेगा। खैर ये जो चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस बार हमें देखने को मिलेगा, और ये जो चीज़ है ना एप्पल इसलिए कर रहा है क्योंकि इस बार हमें पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलेगा जो कि जूम लेंस रहेगा। इसके अलावा इस बार हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा आईफोन 14 लाइनअप में। जी हाँ दोस्तों, इसी के कारण ही यहाँ पर जो मेगापिक्सल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। खैर ये चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सालों से हमें ना सिर्फ 12 मेगापिक्सल का ही लेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी एप्पल जो है काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर लेंसेज को अपग्रेड कर रही है और हमें इस बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है।
यार आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा रहेगा या फिर यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेट देखने को मिलेगा, ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा लास्ट में एक अपडेट रह गई है जो कि है ई सिम के बारे में। खैर काफी सारे र्यूमर्स आ रहे थे जो कि सजेस्ट कर रहे थे कि अभी जो एप्पल है वो कम्प्लीटली मूव करने वाली है ई सिम पर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिबल सोर्स की तरफ से लीक्स निकल कर आई हैं जो कि सजेस्ट कर रही हैं कि एप्पल यहाँ पर ये चीज़ को अभी भी ऑप्शनल रखेगा। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल सिम और ई सिम दोनों की यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। खैर पहले माना जा रहा था कि सिर्फ ई सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ये चीज़ जो है ना काफ़ी बड़े लेवल पर होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज है जिसमें आईफोन की सेल होती है और काफ़ी सारे नेटवर्क ऐसे हैं जो कि अभी कम्प्लीटली मूव नहीं कर रहे हैं ई सिम पर, तो ऐसा करना एप्पल के लिए काफ़ी जो है रिस्की मूव हो सकता है। इसके अलावा ना ये चीज़ जो है ओवरनाइट भी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पूरी प्लानिंग होगी, उसी के बाद ही यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगी। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ई सिम की सपोर्ट तो आएगी ही, लेकिन साथ में हमें यहाँ पर फिजिकल सिम की भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगी। खैर ये चीज़ अभी इसी साल के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमें 2023 वाले जो आईफोन्स रहेंगे उनमें हमें कम्प्लीटली ई सिम की ही सपोर्ट देखने को मिले। इसके अलावा आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पर पिल शेप्ड कैमरा सेटअप देखना चाहते हैं या फिर यहाँ पर होल पंच कैमरा सेटअप देखना चाहते हैं या फिर आप दोनों से ही खुश हैं, यानी कि पिल शेप्ड कैमरा सेटअप प्लस होल पंच कैमरा सेटअप, ये चीज़ आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें आईफोन 14 लाइनअप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।